न्यूमरोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर और बिजनेसमैन जय ठक्कर के घर विराजमान। दशामाता के विसर्जन के मौके पर जय ठक्कर और उनका पूरा परिवार भावुक हो गया। सभी ने नम आंखों से माता को विदाई के लिए तैयार किया। सुंदर वस्त्र पहनकर पूरे 16 श्रृंगार किया गया। इन दिनों तक जय ठक्कर के घर भजन कीर्तन, आरती, माता का जगराता चलता रहा, जहां सभी माता की भक्ति में चूर होकर माता की जय जयकार कर रहे थे। जैसे जैसे माता को ले जाया जा रहा था, जय ठक्कर माता को देख फुट फुट कर रो रहे थे और उनके साथ उनका परिवार और दोस्तों की आंखें भी नम हो गई। वहीं दूसरी तरफ दशा माता के लिए सुंदर रथ तैयार कर ढोल ताशों व आतिशबाजी के साथ नाचते गाते गरबा करते हुए माता का विसर्जन किया गया। आपको बता दे, 25 सालों से पूरी परंपरा और विधि विधान से दशा माता को जय ठक्कर अपने घर में विराजमान करते आ रहे हैं और 25 सालों से पूरे तन मन धन से माता की उपासना करते हैं। जय ठक्कर इन दिनों में भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होकर सभी मोह माया को त्याग कर माता की भक्ति में खो जाते हैं। जय के साथ उनका पूरा परिवार, रिश्तेदार और दोस्त उनकी इस उपासना में उनके साथ रहते हैं। माता को अलग अलग तरह के भोग लगाते हैं। जय के घर आई माता की मूर्ति और उसकी साज सजावट हर साल लोगों को उनके घर तक खींची लाती है।
माता का विसर्जन है, काफी जो है भावुक हो गए थे आप सभी, पूरी फैमिली को देखा गया, क्या कहेंगे और कितना कठिन रहा इस बार उपास? कठिन तो नहीं रहा उपास, माता जी ने शक्ति दी थी उपास करने की, बट ये विदाई बहुत कठिन है और ये मेरा 25वां साल था तो बहुत ज्यादा मतलब ये भावुक हो गए हम लोग। बस माता रानी को ये प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करे, जितने लोगों ने भी व्रत किए हैं दशा माता का, सबकी दशा सुधारे और सबका भला करे। लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन थी कि दो टाइम ये है दशा माता का व्रत, बहुत लोग अगस्त में कर रहे हैं, बहुत लोगों ने जुलाई में किया है, बट उनके कथा में स्पष्ट लिखा है कि दशा माता का व्रत दिवासे के दिन से ही चालू होता है, तो जिन्होंने भी नहीं किया है तो उनको वापस ये सूचित किया जाता है कि जुलाई में एक्चुअली रियल व्रत है। कितना जुड़ाव है माता के साथ, क्योंकि आंखों में आंसू आज सुबह से देखा जा रहा है जब से आप विदाई की बातें हो रही है, अभी भी आप जो है कहीं ना कहीं भावुक दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल भावुक तो होंगे ही, माँ है और माँ हमेशा हृदय में बसती है, बस ये है कि माँ का जो मुहूर्त है उनका विसर्जन हो रहा है, बट फिर भी इतने दिन कहाँ सेवा में निकल गए पता ही नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि कल ही माता आई थी और आज तो विदाई ले रहे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? बस सबकी मनोकामना पूरी हो और माता रानी का नाम लीजिए, ये सबसे बड़ी शक्ति है जिसका कोई बोलते हैं ना राक्षस का भी रज माता नहीं किया था, तो बस माता की सेवा करो और सबका कल्याण होगा।